गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। नमस्कार दोस्तों, और कैसे हो? मैं सूर्या और ये हमारा दोस्त ईश्वर मानिकपुरी। आज हम प्रेम नगर से कहाँ जा रहे हैं जी? महेश्वरी घाट, जो प्राचीन मंदिर है माता का, उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको हम महेश्वरी घाट लिए चलते हैं। ओके, देखिए दोस्तों, ये है हमारा महेश्वरी घाट। दोस्तों ये जंगल स्टार्ट हुआ है, हम लोग जा रहे हैं महेश्वरी माई घाट। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे, हम अपनी गाड़ी से इस वीरान से रास्ते में होते हुए हम महेश्वरी धाम जा रहे हैं। और ये जो पहाड़ दिख रहे हैं आप, इसी पहाड़ में माता जी का धाम लगता है, महेश्वरी माता जी। महेश्वरी मैया की जय। 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 लोग निराले होते हैं, माता जिनका नाम पुकारे, किस्मत वाले होते हैं। बोल महेश्वरी मैया की जय। महेश्वरी मैया की जय। चलो बुलावा आया ये, माता ने बुलाया है। अरे जोर से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की, अरे मिलकर बोलो जय माता की, फिर से बोलो जय माता दी। ओ मैया रे, जयकारा बोल माता की, महेश्वरी मैया की जय। चलो बुलावा आया है। दोस्तों आज हम महेश्वरी घाट जा रहे हैं, और ये जो जितने भी हैं ये सभी हमारे साथीगढ़ हैं, पीछे जो आप देख रहे हैं। और ये जो जंगल है देख रहे हैं आप, और ये जो निर्मम रास्ते हैं, आपको मैं रास्ता दिखाता, कैसे ऐसे ऐसे रास्ते से हम लोग जा रहे हैं। देखिए कितना चढ़ाई है ये हम चढ़ नहीं पा रहे हैं। और ये बहुत बड़ा पहाड़ है जिस पर महेश्वरी माता जी का मंदिर है, और इस निर्मम भरे रास्तों से हम जा रहे हैं। यहाँ पर ये देख रहे हैं जंगल है, इस जंगल में शेर मिलेगा, भालू मिलेगा, चीता मिलेगा, क्या मिलेगा ये तो आगे हम देखते हैं क्या होता है। दोस्तों अब हम लोग जड़ी बूटी खोजने के लिए जा रहे हैं जंगल में, ये घनघोर जंगल है, यहाँ पर हम लोग जड़ी बूटी खोजने के लिए जा रहे हैं। दर्शकगण देखिए, हम ये जो पत्ती आपको दिखा रहे हैं, ये पत्ती को मोहलाइन पत्ती बोलते हैं। इसमें इसके जड़ में कंदा पाया जाता है, ये यहाँ पर, जो कि कई प्रकार के रोगों में काम आता है, एक औषधीय गुण वाला ये पौधा है।
अपन जहाँ जा रहे हैं उन नाम को लेकर ही तीनों लोक में पवित्रता छा जाता है, वातावरण शुद्ध हो जाता है, शरीर के अंदर में समस्त ऊर्जाएं एक्टिव हो जाती हैं। यह एक अनमोल पत्ती है, देख रहे होंगे आप, इतना अनमोल है, एक औषधीय गुण वाला पौधा है। ये उसका पौधा है, ये उसका पेड़ है। सत श्री अकाल, किम सो चाइना बोले कैसे कौन किसी ने कहा चौं 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 चौं। अभी मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगा, बहुत भयंकर घाट है, पहाड़ को काट काट कर बनाया गया है। चुंचबरी गजब चमत्कार होने वाला है, गजब पावरफुल आज माता की शक्ति करने वाले हैं। आज ये मीडिया की कवरेज से दूर रखा गया है और यहाँ पर लोग ज़्यादातर ओपनिंग नहीं करके रखे। दोस्तों बहुत ही घना घोर जंगल आप देख रहे हैं और ये सीधे पहाड़ में चढ़ रहे हैं सभी लोग। ये माता जी के मंदिर में जा रहे हैं, सभी माता जी के दरबार में जा रहे हैं। देख रहे हैं दोस्तों, देख रहे हैं ये नज़ारे हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये कितना जबरदस्त नज़ारा है। हम लोग इस पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते थक गए हैं, लेकिन ये नज़ारा देखिए आप, कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है। ये आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये रास्ता, इसी रास्ते से होकर हम लोग आए। तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है, मेरा मुझ में कुछ नाही, जो हो सो तू। एक बार बोली महेश्वरी मैया की। ये हंसी वादियाँ, ये गुलाया समा, ये मैया तेरे दर पे चले आ गए हम, तेरे चरणों में ले ले चले आए हम। महेश्वरी मैया गार्डों की आवाज़ें, कौन है जो नदी आ सकती है।
क्या चीज आवाज कर रहा है ये? यार डोमी, डोमी जानते हैं आप? मतलब सांप होता है ये आवाज जो सुन रहे हैं आप, ये डार डोमी बोलते हैं, सर्प है ये जो कि आवाज करता है ये सर्प। अब ये सर्प कहीं पर है हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर दिखेगा तो हम शायद आपको दिखा सकते हैं। ये देखिए यह एक गुफा है जिसमें ये सर्प का गुफा है। सीढ़ी के माध्यम से आप देख रहे हैं ये सीढ़ी, सभी लोग जा रहे हैं और माता महेश्वरी जी के धाम। ये प्राकृतिक नज़ारे आपको दिखा रहा हूँ मैं, देखिए ये प्राकृतिक नज़ारे। और यहाँ से सीढ़ी ख़त्म होता है और ये यह एक औषधीय पौधा है, ये देखा रहे हैं आपका दवा, गर्मी सुजात का दवा बोलते हैं इसको, ये जड़ी है। मैं सूर्य राठौर और आज हम यहाँ वादियों में आए हुए हैं हसीबाजी। मैं इनको सब घुमाने लाया हूँ, यही मेरा कुछ वक्त बीता है। मुझे आकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ एक बड़ा सा वो जो चीता होता है ना, चीता क्या करता है, इस रास्ता को काट देता है ना, और भटका देता है। और अगर दो लोग से अगर एक लोग भी गलती से पीछे आ गए एक सेकंड दो सेकंड के लिए तो मार खाता है। हम लोग घर एक वादियों में, आपको बता रहा हूँ जंगल का पूरा चप्पा चप्पा तो नहीं, लेकिन 80% ऐसा क्षेत्र है जहाँ के बारे में जानता हूँ। नाम पश्चिम रास्ता है, अभी ये बहुत दूर तक इसी तरीके से रहेगा, धीरे 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 नीचे। बड़ा सावधानी से चलिएगा आप लोग, अटक गए ना तो हम एक दूसरे से कभी मिल नहीं पाएंगे। हम मिलेंगे तो बहुत देर हो चुका रहेगा, तब तक रात्रि हो जाएगी और रात्रि में खतरनाक है जगह निकलने के लिए चारों तरफ। लेकिन गीता में कहा गया है कि अपनी रक्षा के लिए भी जो व्यक्ति आगे नहीं आता वह ये मैंने रखा है, ये रख लिए वो कंटिक्यू कंटिक्यू जड़ी पति से मत पूछो कितना ज़्यादा जरूरी। आप जैसे नीचे उतरोगे नीचे देखो, अब मैं जंगल हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, अब जंगल क्रॉस कर चुके हैं तो बहुत प्यारा सा नजारा आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही चलेगा। ये बचने के लिए सुरक्षा है डंडा। और मैं हसीन वादियों में आया हुआ हूँ, यहाँ पर चीता है, माता का सिंह द्वार है। दोस्तों आज मैं ईश्वर मानिकपुरी के साथ आया हुआ हूँ, आज यहाँ सिंह वादियों में आज इस जंगल का भ्रमण कर रहा हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है इन ऐसे प्यारे प्यारे वादियों को देखते हुए। और अपने सेफ्टी के लिए मैं ये डंडा रखा हुआ हूँ। यहाँ पर अगर जैसे किलोमीटर में बोलेंगे तो मेरे को लगता है 3 किलोमीटर नीचे है वो, 3 किलोमीटर नीचे है। और वो जो ऊपर चोटी दिख रहा है ना, यहाँ से जाने के लिए आपको दिख रहा है लेकिन ये कम से कम 8 किलोमीटर है, यहाँ से वहाँ तक की दूरी 8 किलोमीटर है। ये हम आज आसमान के प्राकृतिक सुंदरतम नज़ारों को आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे कई औषधीय पौधे मिलते हैं और यहाँ पर देख रहे हैं आप ये लोग भी औषधीय गुणों की तलाश में हैं। ये एक पौधा और दिखा रहे हैं आपको हम, ये पौधा जो है ये
ये भी एक औषधीय पौधा है। हम इस रास्ते से जा रहे हैं। ये जो आपको दिख रहा है पत्थर के बीच में निकला हुआ, इसको ना नीम का ही एक प्रजाति है, लेकिन ये छोटा रूप है, इसको भुई नीम बोलते हैं। ये किडनी में यदि पथरी हो जाता है, इसको लगातार सेवन करने से 20 दिन 21 दिन वो गल के फेंका जाएगा पेशाब के मार्ग से, तो ये बहुत ज़बरदस्त है। एक चीज़ और इसका गोपनीय चीज़ है, गजब का छाला रहे पेट में तो नारियल के तेल के साथ में इसको पिया जाता है। नारियल का तेल का मतलब ये है कि उसका खोपड़ी को आप आँख में जला दें, आग में जलाने के बाद में किसी हाथी में डालें, उसका जो पानी निकलता है उसको पिला देने से ये है। आप ना अगर सीखे हो तो 100% इसको लिख करके कॉपी में रख लीजिए, आप वैद्य बन जाएंगे उस क्षेत्र। देखिए ये पौधा जो आप देख रहे हैं, इस पौधे का नाम है धोबिनी, भूखाग्र इसको हिंदी में बोलते हैं। भूखाग्र चरक संहिता में वर्णन है कि जब पवन पुत्र हनुमान इसके चार पत्ती खा लिए थे तो इतना भूख बढ़ेगा कि समस्त माता सीता देते देते थक गई थी, श्री रामचंद्र जी का राजमहल का सब खा लिए। लास्ट में जाते हैं वो सीता माता मतलब व्यथित और चिंतित होकर के श्री रामचंद्र। देख रहे हैं आप रास्ता, यही रास्ता से हम होकर के जा रहे हैं माता जी के दरबार। ये लोग देख रहे हैं इतना अद्भुत नजारा है, देखिए आपको शरीर में दौड़ती हुई दिखा रहा है। ये सुंदर से नजारे हम दिखा रहे हैं। थक चुके हैं हम, बहुत ज्यादा थक चुके हैं, सब लोग आगे पीछे हो चुके हैं और मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। आपको दिखा रहा हूँ मैं, आपको कैमरे पर लाइव हूँ। ये रास्ता आप देख रहे हैं, इन रास्ते से होकर हम जा रहे हैं, बहुत ऊपर से है, ये जंगली है देखिए। जो नज़ारे आपको दिखा रहा हूँ मैं, काफ़ी नीचे जगह है और ये प्राकृतिक सुंदरतम नज़ारे, इतने ऊंचाई पर हम लोग हैं, अभी और ऊंचाई पे हम लोग को जाना है तो इन सीढ़ियों के माध्यम से। कुछ दूर तक सीढ़ियाँ हैं, कुछ दूर तक निर्वम भरे रास्ते हैं और इन्हीं रास्तों से हम लोग होकर के जा रहे हैं आगे। चलिए देख के चलता हूँ आपको। क्या नज़ारे हैं ये देखो आप, जबरदस्त नज़ारे, वाओ वाओ क्या सीन है यार, जबरदस्त, ये देखिए आप क्या जबरदस्त सीन है और क्या हवा चल रहा है, ये लग रहा है ऐसा जैसे पानी आ रहा हो। देखिए दोस्तों हम लोग इसी रास्ते से आए हुए हैं और अभी आपको हम दिखा रहे हैं ये प्राकृतिक सुंदरतम नज़ारे। आप ये कितना सुंदरतम नज़ारा है, अभी ये कोहरा छाया हुआ है और पानी आने का संभावना है, बादल जो है देख रहे हैं आप,
ये बादल लगा हुआ है, कभी भी पानी आ सकता है। और हम सबसे उच्चतम चोटी पर हैं, समझ लीजिए कि हम बादल के पास हैं, बादल के समीप हैं। ये आप देख रहे होंगे हमारे कैमरे पर। यहाँ जड़ी बूटियों की प्रचुर मात्रा में उपलब्धि है यहाँ पर। और ये जो रास्ता देख रहे हैं, निर्मम रास्ता है, बहुत ही निर्मम रास्ता है। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं जड़ी बूटी की खोज में। देखिए दोस्तों, ये जो जगह है, अब हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ। यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं। तो ये है मंदिर और यहाँ ये धाम है। यहाँ पर देख रहे होंगे आप, बहुत सारे श्रद्धालुगण हैं। चलते हैं आगे। ये मंदिर है दोस्तों, महेश्वरी माता जी का मंदिर है। ये गुंबद आकार देख रहे हैं आप, और इसका निर्माण अभी चल रहा है। कुछ दूरी पर सीढ़ी बना हुआ है, बाकी कुछ दूरी पर रास्ता है। और बहुत ही ऊंचाई जगह पर है, ये ऊंचे पहाड़ पर है, सबसे उच्चतम स्थल पर है ये मंदिर। आप देख रहे होंगे दूर दूर से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ बादलों के अलावा और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। इतनी ऊंची जगह पर यह मंदिर है। दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों आखिरकार हम माता महेश्वरी जी के धाम हम पहुंच चुके हैं। ये श्रद्धालुगण हैं और यहाँ पर पंडा जी हैं और यहाँ पर पूजा पाठ चल रहा है। तो अभी आपको हम माता जी के मंदिर का दर्शन कराते हैं। आइए चलिए चलते हैं। ये मंदिर है, ये माता जी का मंदिर। ये माता महेश्वरी माता जी हैं, ये माता जी का मंदिर है। महेश्वरी माता जी को हम आपको दर्शन करा रहे हैं। काली माता जी का ये पिंजरा, और यहाँ पे सारे श्रद्धालु हैं। ये माता महेश्वरी जी जिनको आप दर्शन कर रहे हैं, ये माता महेश्वरी जी देवी हैं। Oh.
शुक्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मंगरागाय महेश्वराय नित्याय दूताय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नागेन्द्राय त्रिलोचनाय भस्मंगरागाय महेश्वराय नित्याय दूताय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ॐ श्री नागेन्द्राय त्रिलोचनाय भस्मंगरागाय महेश्वराय नित्याय दूताय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदावसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी शैतम नमामि भवम भवामी शैतम नमामि। ओम काली गंगाली माता भैरवी भैतारिणी तम चरणम प्रणमामि नमस्तस्यै 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 नमः। ॐ क्रीं 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 ह्रीं 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 श्रीं 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 ॐ माता भवानी मैया की। तो भाई एक बहुत बड़ा माता का भक्त नाम ईश्वर मानिकपुरी उसका कथा करते हैं, है ना। बचपन में बहुत बड़ा गरीबी का सामना करते हुए बिक्की पंडा माँ तेरे दरबार पे आए हैं और अब तो अंतर्यामी है तेरी बंदा में कुछ नहीं हमारे पास।
जय माता काली। तारे दिना
नंबर वाली।